सो हेलो एंड वेलकम गाइस आज के नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिनको जानने के बाद आप लोग एकदम फास्ट रैंक पुश कर सकते हो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ से जाओ, लक बूस्ट में जाते हैं, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक, आप लोगों को पता है, फ्री का स्पिन हर रोज़ का मिलता है। पहले तो हम लोग उस स्पिन को यूज़ कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक एक्चुअल में बताऊँगा। देखो, इससे मुझे काफ़ी सारे टोकन्स मिल जाएंगे, इसलिए आप भी ट्राई किया करो। रोज़ का एक बूस्ट आपको मिलता है, इसको यूज़। देखो, मुझे 9 रेड बेल टोकन फ्री में मिल चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं फास्ट कैसे इम्प्रूव है। ये देखो, यहाँ पर मेरे सारे फ्रेंड्स सब मेरे से पीछे ये कलेक्ट करने में। देखो, ये अभी स्टार्ट में और मैं कितना आगे पहुंच चुका हूं। तो आप भी फास्ट कैसे कर सकते हो ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जल्दी जल्दी कलेक्ट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए ये हमें आखिर मिलते कैसे हैं। तो आप जब भी कोई गेम खेल के आते हो, कोई भी मैच खेलो, CS खेलो, BR खेलो, लोन वुल्फ खेलो, आप जब गेम खेल के वापस आओगे तो तब आप लोगों को ये टोकन्स मिलते हैं। और ये कितने टोकन्स मिलते हैं, CS में खेलने से ज़्यादा टोकन्स मिलते हैं या BR में खेलने से ज़्यादा टोकन्स मिलते हैं, तो ये बात जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर BR में आप लोग खेलते हो तो फिर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देर सर्वाइव करना होगा। बेशक आप क्लासिक खेलो, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर सर्वाइव करना है इसमें। जितना ज़्यादा देर आप सर्वाइव करोगे उतने ज़्यादा टोकन्स आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को सर्वाइव करना पसंद नहीं तो फिर आप लोग CS या लोन वुल्फ में भी खेल सकते हो, क्योंकि वो एक मैच बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और उससे जल्दी जल्दी आप कलेक्ट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ।